हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन का, थोड़ा सा पार्ट किया था एंड फैक्टोरियल को हमने डिस्कस किया था अच्छे से, जिसमें हमने बताया था आपको फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू और फैक्टोरियल नेगेटिव वैल्यू क्या क्या होती है। सो अगर वीडियो आपको नहीं देखी है तो आप उसको विजिट कर सकते हैं बाई क्लिकिंग ऑन द आई बटन। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम आपसे एक्सरसाइज नंबर 7.2 के क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपसे कहता है वो कि फैक्टोरियल 8 की वैल्यू बताइए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन आसान है। जैसे हमने कहा था आपको कि फैक्टोरियल 8 की वैल्यू क्या ले सकते हैं बेटा, 8 इंटू फैक्टोरियल 7, राइट। और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू हमने निकलवाई थी आपको 8 इंटू 5040, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 0 8 4 32 3 8 4 0, यानी कि 40320 इज योर आंसर, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का, हार्ड तो नहीं है हम बोलेंगे इसको, बट देख लेते हैं। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब कई तरीके करने के, एक स्टूडेंट होगा उसको किस तरह से करेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये करेगा आपका 4 3 12 12 इंटू 2 24 24 माइनस 3 2 6, और ये इसका आंसर आ गया 18। एक तरीका ये हो सकता है जो बहुत ही लेमन तरीका है, राइट। आप इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स में हम, कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, अब इसमें लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे बेटा आप क्या, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको, माइनस 3 फैक्टोरियल। सो 3 फैक्टोरियल तो कॉमन आ गया, तो 4 माइनस 1, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 6, और यहाँ पे कितना आ गया बेटा 3, दैट इज 18। तो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन सेज इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, यानी पूछ रहा है आपसे 3 प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। अब भाई जिसको एक क्वेश्चन नहीं आता वो तो कहता 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, तो 7 इक्वल टू 7, यानी ट्रू है। बट क्या ये एक्चुअल में ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल नंबर्स के साथ डील नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डील कर रहे हैं फैक्टोरियल की वैल्यू के साथ में। तो बेटा अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या कहेंगे, तो शॉर्ट में करने की कोशिश करें। सो दिस इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, अगर हम LHS की बात करें दैट इज 7 फैक्टोरियल, ठीक है, मतलब ये गिवन है। और यहाँ पे हमने 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 4, दैट इज 7 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने अभी देखी थी 5040। अब हम देखते हैं यहाँ पे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 6, और ये आगे 5, दैट इज 5040, तो यहाँ पे हो गया 30 इज इक्वल टू 5040। तो क्या ये बात सही है कि 30 इक्वल हो सकता है 5040, तो ये बात बिल्कुल बेटा ट्रू नहीं है, यानी कि इक्वल नहीं है। सो इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, इसका आंसर हो गया आपके पास, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 इससे भी आसान क्वेश्चन है, देखो क्या है। 3 क्वेश्चन कह रहा है 8 फैक्टोरियल अपॉन, इसको इवैल्यूएट करना है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइन। अब इसको करने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे हम, देखो 8 फैक्टोरियल को लिखते हैं हम 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। हम इन्हें यहाँ पे इसको छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर 6 फैक्टोरियल नीचे रखा हुआ है, उसको हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू बेटा 2, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 4s are 8 and 4 7s are 28, यही आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम आपका, फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन सेज कि इफ 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल
वन अपॉन सिक्स फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन सेवन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एट फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये भी आसान है, इसको देखो कैसे करते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल तो रखा हुआ है प्लस 1 अपॉन 7 इनटू 6 फैक्टोरियल बोल सकते हैं इसको, और यहां पे x अपॉन 8 इनटू 7 इनटू 6 फैक्टोरियल, यानी कि जो छोटी वैल्यू होती है बड़े फैक्टोरियल को हम छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी आपको बड़ी वैल्यू दिखती है तो उसको छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके उसको एलिमिनेट करने की कोशिश किया करो। तो हमने क्या किया था, 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो यहां बचा बेटा 1 प्लस 1 अपॉन 7, राइट, दैट इक्वल्स टू x अपॉन 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे 7 प्लस 1 8, 8 अपॉन 7 आ गया बेटा, यहां पे इज इक्वल्स टू x अपॉन 8 into 7, यहां पे 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मींस x इक्वल्स टू 8 into 8, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 64, यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आप देख रहे हो हार्ड नहीं बेटा चीजें, कोई भी क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं होता है, सिर्फ उसको करने का तरीका हार्ड बनाता है। कैलकुलेशन अगर फास्ट करनी है तो आपको थोड़ी सी ट्रिक्स सीखनी पड़ेगी जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं और टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 5 का एक पार्ट हम करा देते हैं, एक पार्ट आप खुद से करना। ठीक है, दोनों सेम तरीके के हैं, यानी कि इवेल्युएट करना है आपको n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, ये इवेल्युएट करना है, और जब आपको गिवन है बेटा n इक्वल्स टू 6 और r की वैल्यू आपको गिवन है 2। ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें, n की वैल्यू 6 फैक्टोरियल नीचे यहां पे लिखा और n माइनस r यानी कि 6 माइनस 2 फैक्टोरियल यहां पे लिख दिया है। तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 इज 4 फैक्टोरियल, सो हमने क्या 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, हमने पहले देख लिया यहाँ पे कि यहाँ पर 4 फैक्टोरियल नीचे रखा हुआ है, ये क्या कटा है इससे, तो 6 5 जा 30 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड ऑल्सो यू कैन डू इन द सेम सिमिलर मैनर द क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, हमें लगता है कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी, और कोई भी डाउट आपका बचता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, डिस्कस करेंगे डिटेल में द कॉन्सेप्ट ऑफ परमिटेशन। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।